flying a kite. ये चमकता हुआ एक सुनहरा दिन है. पेपा और उसका परिवार पार्क में है. वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं. पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा. जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती. जॉर्ज तुम सब गलत कर रहे हो. तुम बहुत तेज नहीं दौड़े. अब मेरी बारी है. पेपा बहुत तेज दौड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी. बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो. जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा. देखो हवा चल रही है. अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है. अब हवा काफी तेज है. अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है. शुक्रिया डैडी. डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं. और ऊपर और ऊपर. डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं. वाओ! मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ. उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है. चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है. ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई. ओ नहीं. ओ. ओ. चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे. हाँ. ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है. पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है. हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज. मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ. ओ. पीछे रहो बच्चो. जरा ध्यान से डैडी पिग. मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. जरा ध्यान से. बस थोड़ा सा और डैडी. डैडी पिग, तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो. रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ. डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया. ओह डियर, सब के सब मिट्टी में सन गए. ये तो सिर्फ मिट्टी है. अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई. मम्मी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते. और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं. पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है. मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है. सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है. गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में. Thank you.